मध्य प्रदेश की सियासत में पल पल ट्विस्ट, ज्योतिरादित्य के बीजेपी में शामिल होने का वक्त 12:30 से बढ़कर दोपहर 2 बजे हुआ। बीजेपी में शामिल होने का वक्त बढ़ने से अटकलों का बाजार गर्म, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया को होना है शामिल। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में एंट्री के बाद बीजेपी से मिलेगी राज्यसभा की सीट, केंद्र में मंत्री पद भी ऑफर। दिल्ली में अभी अपने घर से नहीं निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया, 18 साल से कांग्रेस में रहे हैं ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही सार्वजनिक किया अपना इस्तीफा, कांग्रेस ने सिंधिया से तोड़ा नाता। संसद पहुंचे राहुल गांधी ने सिंधिया से जुड़े सवाल पर थामी चुप्पी, मीडिया को नहीं दिया जवाब। राहुल गांधी ने बाद में किया ट्वीट, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने में व्यस्त है बीजेपी सरकार, जनता को नहीं मिल पा रहा है तेल की घटी दरों का लाभ। सिंधिया के साथ छोड़ने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिग्विजय सिंह का निशाना, कहा जिस पिस्तौल से हुई थी गांधी की हत्या वो ग्वालियर से ली गई थी, करे रिसर्च, उसे बेचने वाला कौन था। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, इशारों में सिंधिया के लिए लिखा, घर छोड़कर मत जाओ, कहीं घर ना मिलेगा। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस बीजेपी का विधायक लाओ और विधायक बचाओ मिशन, कुछ देर में भोपाल से जयपुर पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। जयपुर के ब्यूना विस्ता रिजॉर्ट में ठहरेंगे विधायक, कुछ देर में विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे। बीजेपी ने मिशन विधायक बचाओ के तहत अपने 106 विधायकों को मानेसर भेजा, किसी ने कहा दर्शन पूजा के लिए आए हैं तो कोई बोला होली मिलन के लिए आए। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, इनमें कबला सरकार में शामिल 6 मंत्री भी शामिल, बेंगलुरु में ठहरे हैं सिंधिया समर्थक विधायक। कांग्रेस में 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 104 पर पहुंचा बहुमत का आंकड़ा, कांग्रेस के साथ 99 और बीजेपी के पास 107 विधायक। कांग्रेस ने बागी मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, 6 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने आज तक से कहा इस्तीफा देने वाले विधायकों को बुलाकर करूंगा बात। कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद मुकुल नाथ का बयान, कर्नाटक गए कांग्रेस विधायक जल्द वापस लौटेंगे, सरकार नहीं जाएगी। बेंगलुरु के जिस होटल में रुके हैं कांग्रेस के बागी विधायक, उसी होटल के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जयपुर जाने से पहले भोपाल में सभी विधायकों से मिले मुख्यमंत्री कमलनाथ, बस से एयरपोर्ट पहुंचे सभी कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के संकट में आते ही बीजेपी अपना खेल बनाने में जुटी, देर रात दिल्ली पहुंचे बीजेपी के विधायक। विधायकों में सेन मारी की तरफ से बीजेपी ने अपने विधायकों को पहुंचाया दिल्ली स्पाइस जेट के स्पेशल विमान से भोपाल से हुए रवाना। दिल्ली पहुंचते ही हरियाणा के लिए रवाना हुए बीजेपी विधायक, 2 लग्जरी बसों में भरकर गए 106 विधायक। विधायकों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी हैं मौजूद, बस के काफिले के आगे चलती रही कैलाश विजयवर्गीय के कार। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब, कहा दिल्ली घूमने आए हैं विधायक। सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के इस्तीफे की खबर आने के बाद कल रात कमलनाथ ने बुलाई बैठक, बैठक में कांग्रेस के 88 विधायक रहे मौजूद। कांग्रेस की तरफ से बागी विधायकों को मनाने की कोशिश जारी, कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री रहे सज्जन सिंह और गोविंद सिंह जाएंगे बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा, बहुमत हमारे साथ है, कहा चिंता की कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए जुटे कांग्रेस के दिग्गज, वरिष्ठ नेता हरीश रावत और मुकुल वासनिक भेजे गए भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, लिखा 18 साल में सिंधिया को सांसद से मंत्री बनाया, पार्टी में अहम पद दिए, फिर भी मोदी शाह के शरण में। होली के दिन मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। ज्योतिरादित्य ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा, साथ ही सोशल मीडिया में भी किया सार्वजनिक। इस्तीफे में सिंधिया ने लिखा 18 साल तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के बाद अब वक्त नहीं रहा का, इसे पिछले 1 साल से किया गया तैयार। सिंधिया के इस्तीफे के बाद सिंधिया समर्थक 19 कांग्रेस विधायकों ने भी दिया इस्तीफा, बाद में 3 और विधायकों का इस्तीफा। बेंगलुरु में ठहरे सिंधिया समर्थक विधायकों की सामने आई तस्वीर, विक्ट्री साइन दिखाते आए नजर। कल सुबह सिंधिया ने अटकलों पर लगा दी थी मुहर, सुबह खुद गाड़ी चलाकर अमित शाह से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। अमित शाह के साथ पीएम मोदी से भी कल मिले सिंधिया, तीनों के बीच करीब 1 घंटे चली बैठक।
के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कोटे से मिल सकती है राज्यसभा की सीट, मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री भी संभव। सिंधिया के इस्तीफे के फौरन बाद बदले कांग्रेस नेताओं के बोल, अधीर रंजन चौधरी ने सिंधिया को बताया गद्दार। कांग्रेस नेता शोभा ओझा का दावा, साबित करेंगे बहुमत, कई बीजेपी विधायक भी हमारे संपर्क में। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का भी सिंधिया पर हमला, कहा पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से सोनिया गांधी ने पार्टी से निकाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई पारी की शुरुआत से उनके समर्थकों में जश्न, ग्वालियर में लोगों ने समर्थन में लगाई नारेबाजी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य के समर्थक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस्तीफे का होड़, कई पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। पार्टी छोड़ने पर सिंधिया ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब, सिर्फ होली की शुभकामनाएं देते रहे सिंधिया। No, thank you. Sir, happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, the news sir that's coming is sir, will you be joining with you? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सिंधिया के खिलाफ गुस्सा, सिंधिया का जलाया पुतला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर हमला, इस्तीफे को कमलनाथ सरकार में माफियाओं पर सख्ती से जोड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार, कहा जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तो महाराजा थे, अब माफिया हो गए। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फोड़ा तोड़फोड़ का ठीकरा, कहा विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु ले गई बीजेपी। सिंधिया पर बोले शाहनवाज हुसैन, ये कांग्रेस को विचार करना है कि उनकी आंखों का तारा क्यों खफा, राहुल गांधी तो आंखों आंखों में उनसे बात करते थे। लोकसभा में गूंजा कांग्रेस के साथ सांसदों के निलंबन का मुद्दा, जमकर हुआ हंगामा, स्पीकर ने सभी पार्टी के नेताओं की बुलाई बैठक। राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ी, सदन 2 बजे तक स्थगित। संसद में दिल्ली हिंसा पर होगी चर्चा, आज लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा के आसार। चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली हिंसा पर शाम 6 बजे रखेंगे सरकार का जवाब, राज्यसभा में कल होगी बहस। यस बैंक मामले में आप सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन, सरकार को घेरा। यस बैंक केस में फाउंडर राणा कपूर की आज खत्म हो रही ईडी कस्टडी, कोर्ट से ईडी राणा की और अधिक दिन की कस्टडी मांग सकती है। सीबीआई भी कोर्ट से कर सकती है राणा कपूर को गिरफ्तार करने की मांग, सीबीआई ने दर्ज किया है राणा कपूर के खिलाफ केस। मुंबई के ईडी दफ्तर में राणा कपूर की बेटी और पत्नी का बयान रिकॉर्ड, सीबीआई की टीम भी पहुंची। होली के दिन यस बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत, दूसरे बैंक के खाते से लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बकाया भर सकेंगे। यस बैंक घोटाले की जांच में ईडी को शक, राणा कपूर के कहने पर नियमों का उल्लंघन कर दिए गए 20,000 करोड़ के लोन। दिल्ली हिंसा मामले में 3 और गिरफ्तार, ताहिर हुसैन की पूछताछ के आधार पर करीबियों की धरपकड़। पुंछ में पाकिस्तान की हिमाकत किरनी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्या। केरल के अलापुझा में एक कार सवार ने 4 लड़कियों समेत 8 लोगों को कुचला, सीसीटीवी में कैद हादसा। आजमगढ़ में होली के दिन खूनी संघर्ष, एक शख्स की मौत, 4 घायल। देश में कोरोना के बीमारों का आंकड़ा 59 पहुंचा, केरल में सबसे ज्यादा 14 मामले। केरल में कोरोना के 6 नए केस मिलने से हड़कंप, स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद। कोरोना वायरस के चलते भारत का बड़ा फैसला, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों का वीजा स्थायी रूप से किया रद्द। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्रेनों में सफाई अभियान तेज, खास तरह के केमिकल से साफ की जा रही बोगियां। गोलापुर के अम्बाबाई मंदिर में कोरोना से बचाव को लेकर एडवाइजरी, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करने के बाद भक्तों को दर्शन की इजाजत। जम्मू में कोरोना वायरस का खौफ, सभी सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए किया गया बंद। तिरुपति प्रबंधन की अपील, विदेशों से आने वाले श्रद्धालु 28 दिनों तक न आए मंदिर। चीन में कोरोना से 3,158 लोगों की मौत, 80,000 से ज्यादा केस। पटना में जेडीयू छात्र नेता कन्हैया कोशिश हत्या से हड़कंप, अज्ञात बदमाशों ने कल रात मारी गोली। जेडीयू नेता की हत्या के केस में 2 गिरफ्तार, होली के पोस्टर पर नाम ना देने से नाराज कुश सिंह नाम के आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। फरीदाबाद के सेक्टर 15 के मार्केट में एक रेस्टोरेंट सहित 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बरनाला के सरकारी स्कूल कमेटी के चेयरमैन, स्कूल इंचार्ज के साथ की मारपीट, स्कूल की दीवार बनाने को लेकर विवाद। लखीमपुर खीरी में महिला के कान से सोने की बाली झपटकर भागा लुटेरा, घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के इंद्रपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, ब्लास्ट में महिला सहित 6 घायल।
हिमाचल के चंबा में संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 35 गंभीर रूप से घायल। असम के बीमा में तेंदुए को ग्रामीणों ने मारा, तेंदुए ने ग्रामीणों पर किया था हमला। अलवर में 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। कानपुर में इलाज के दौरान 9 साल की रेप पीड़िता की मौत, परिजनों से लगाई इंसाफ की गुहार। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुकान पर बोला धावा, लाखों का सामान लूटकर फरार। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 1 दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी गिरावट, दिल्ली में 2 रुपए 69 पैसे कम होकर 70 रुपए 29 पैसे लीटर हुआ पेट्रोल, डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता। 2040 तक 86 लाख करोड़ रुपए का होगा रियल स्टेट सेक्टर, जीडीपी में रियल स्टेट का योगदान दोगुना होकर 14% पर पहुंचने का अनुमान। एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए सरकार देगी इंटरेस्ट फ्री लोन, घर बैठे 50 से 100 रुपए में भरवा सकेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर। मारुति ब्रेजा के मैनुअल मॉडल में भी मिल सकती है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बढ़ेगा माइलेज। भारत में कल 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी शाओमी, फोन में फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी पावरफुल बैटरी। इंटेलिजेंस ने श्रीलंका लेजेंड्स को 5 विकेट से हराया, 8 गेंद पहले हासिल किया 139 रनों का लक्ष्य। इरफान पठान ने नाबाद 57 और मोहम्मद कैफ ने बनाए 45 रन, मैच में सचिन नहीं खोल सके खाता। धर्मशाला में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच, मैच से पहले टीम इंडिया ने पिच पर बहाया पसीना। इस पहले कांगड़ा एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों का स्वागत, कप्तान कोहली और कोच शास्त्री कैमरे में कैद। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए सभी टीमों ने कसी कमर, चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरू की मैच प्रैक्टिस।